22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब अयोध्या में उड़ने लगा ड्रोन, दिखाई ऐसी तस्वीरें कि सब हैरान रह गए। ड्रोन की ये तस्वीरें देखकर आज अयोध्या वासी भी हैरान है और शरारती तत्व परेशान है, क्योंकि अयोध्या की सुरक्षा इस वक्त ऐसी कर दी गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। इस सुरक्षा प्लान में स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है और इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं कि जल हो, थल हो या नभ हो, कहीं से भी सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं, तो फिजिकल चेकिंग और वेरिफिकेशन के साथ साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या के सुरक्षा प्लान में स्थानीय लोगों की सहभागिता का अहम रोल होगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो या आम लोगों के घर, जिनके भी घरों या प्रतिष्ठानों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सभी को पुलिस के कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। ये कैमरे पुलिस के उन 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क के अलावा होंगे, जो अलग अलग स्थानों पर अदृश्य आंख की तरह सड़कों और गलियों की निगरानी कर रहे होंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब अयोध्या की सड़कों पर पुलिस का अमला जमला खड़ा हो गया और आसमान में उड़ता दिखाई दिया ड्रोन, और इस ड्रोन ने जो तस्वीरें दिखाई आप भी जरा देख लीजिए। ड्रोन का जो इनपुट आएगा वो किस तरह आएगा वो देखिए। आपको इस वक्त घाट की तस्वीरें नजर आ रही है, घाट की तस्वीरें, और इन घाट में हर घाट पर, चाहे वो रामपैड़ी का घाट हो, चाहे वो नया घाट। इन तस्वीरों में एक घाट दिखाई दे रहा है जिसकी लाइव फुटेज इस ड्रोन के माध्यम से ली जा रही है, और ये सिर्फ एक ही घाट नहीं, हर घाट की सुरक्षा इसी तरह से की जा रही है। ड्रोन उड़ाकर देखा जा रहा है कि कहीं कोई शरारती तत्व कोई शरारत न कर दे। इसी के साथ अयोध्या पुलिस फिजिकल इंटेलिजेंस का भी सहारा ले रही है और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों से संपर्क कर उनको अपने साथ जोड़ा गया है जो ई रिक्शा, टैक्सी, होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस कर्मचारी है। ऐसे लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या फिर संदिग्ध लोग दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दे। इतना ही नहीं, अगर बिना परिचय पत्र के कोई भी किसी होटल, धर्मशाला या लॉज या फिर मंदिर में रुकता है तो वहाँ के कर्मचारी सीधे पुलिस को सूचना दे। सूचना देने वाले ऐसे सभी लोगों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। अयोध्या में समीक्षा के दौरान खुद सीएम योगी ने भी निर्देश दिए कि जो भी बाहरी लोग अयोध्या में रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाए और उनके आधार कार्ड चेक ही नहीं किए जाए बल्कि उनका सत्यापन भी कराया जाए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान SPG की भी निगरानी पूरी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था विस्तृत स्तर पर की जा रही है। प्रतिदिन हम अपनी व्यवस्था की समीक्षा भी करते हैं, जिससे कि जहां कहीं कुछ और व्यवस्था की आवश्यक हो, बंदोबस्त में संशोधन करना, इम्प्रूवमेंट करना उसे कर सकें। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे पूरे जनपद में लगाए गए हैं जिनको मॉनिटर किया जा रहा है। ड्रोन और टीथर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि एरियल व्यू और एरियल सर्विलांस की जा सके। प्रत्येक व्यक्ति जो इस जनपद में प्रवेश करेंगे उनका सत्यापन किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो लेबर काम करती है, जो किराएदार किराए पर मकान लेकर रहते हैं, जो लोग होटल में अपना कक्ष आरक्षित कराते हैं, बुकिंग करके आते हैं, हमें प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी रखना आवश्यक है। और उस जानकारी को हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जिसके अंतर्गत हम रोजाना ये सारी इंफॉर्मेशन पूरे जनपद से गैदर कर रहे हैं। ऐसे में देख लीजिए कि तैयारी पूरी है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।